आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं उत्तरश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के मझोली कंपाउंड में खड़ी गाड़ी में एक बुरके वाली महिला ने आग लगा दी, जिसके बाद उस महिला का वीडियो वायरल होने लगा और प्राइम टीवी वायरल वीडियो की सच की पड़ताल में निकल गया। देखिए प्राइम टीवी पर बुरके वाली महिला का सच। आग लगाते हुए बुरके वाली महिला की वीडियो वायरल। क्यों बुरके वाली महिला ने लगाई गाड़ी में आग? क्या है बुरके वाली महिला का सच? प्राइम टीवी की वायरल वीडियो पर पड़ताल जारी। डॉक्टर की क्लिनिक के बगल में खड़ी कार में बुर्का पहने महिला ने आग लगा दिया और वहां से फरार हो गई। बच्चों के शोर मचाने पर लोगों ने आग पर काबू पाया। पीड़ित कार मालिक ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रही अज्ञात महिला के खिलाफ कैंट पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर यह बुरके वाली महिला कौन थी और इसकी मंशा क्या थी? देर रात के बाद सुबह तक वायरल वीडियो ने सभी के होश उड़ा दिए और पुलिस भी वायरल वीडियो देखकर हैरान हो गई। यही वो स्थान है जहां वो गाड़ी खड़ी थी और ठीक यहां पे अपने अजय श्रीवास्तव, जो जिनकी गाड़ी में आग लगाई गई, वो अपनी पत्नी को दिखाने आए थे। तो ऐसे में उनकी गाड़ी को ठीक आगे, आपको बता दें कि यहाँ गाड़ी खड़ी थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई और वो औरत काफ़ी प्रयास के बाद, करीब करीब 10 से 15 मिनट प्रयास की है, उसके बाद गाड़ी में आग लगा पाई है और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। आज प्राइम टीवी की टीम जो है यहाँ पर पहुँची हुई है, हम पहुँचे हुए हैं वायरल वीडियो का सच जानने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर आपको दिखा दें कि ठीक आगे यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा है इस घर पर, और यहीं से कुछ बच्चों ने देखा और उन्होंने शोर मचाया तो उस पे आग पे काबू का पाया गया और बड़ी घटना को रोके गया। प्राइम टीवी के संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव ने इस पूरी घटना की वायरल वीडियो के सच की तलाश में ढूंढते ढूंढते उस घटना स्थल पर पहुंच गए जहां पर खड़ी गाड़ी में बुरके वाली महिला ने आग लगाई थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस महिला ने बड़े आराम से अपने कारनामे को अंजाम दिया। कोई आता तो रुक जाती, फिर इधर उधर जाती, फिर उधर जाती। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा और फिर महिला ने मौका देखकर ज्वलनशील पदार्थ बाएं साइड के पहिए में डालकर माचिस लगाकर आग लगा दी और वहां से फरार हो गई। एसपीसीटी इस पे बताते हैं कि एक महिला आती है ज्वलनशील पदार्थ लेकर के और उसको गाड़ी में आग लगा देती है। काफ़ी प्रयास के बाद वो आग लगाती है और जाहिर सी बात है कि उसके टायर में आग लगाती है, जिसको स्थानीय लोगों ने समझबूझ के साथ बुझा दिया, जिससे बड़ी घटना को रोक दिया। और ठीक बताते हैं में अंजू जायसवाल जो डॉक्टर हैं, यहीं पर मरीज को ले करके अपनी पत्नी को आता है और मरीज को देखने के लिए, और यहीं पर लोग रहते हैं और अचानक ही एक महिला आती है और वो आग लगा देती है। और इसकी तफ्तीश करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा है मामला। वायरल वीडियो के बाद और लिखित शिकायत के बाद पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की माने तो एक बुरके में महिला वहां पर आती है और काफी सर्च करने के बाद गाड़ी में आग लगाकर वहां से फरार हो जाती है। थाना कैंट के अंतर्गत एक अजय कुमार श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट कराने के लिए थाना कैंट क्षेत्र में एक डॉक्टर के यहाँ आए, तब उनको पता चला कि उनकी गाड़ी में किसी ने आग लगा दी है। ये प्रथम दृष्टया ये मामला एक बुरका पहने हुए महिला है जो कि गाड़ी के अगले भाग में आग लगाने के बाद में वहाँ से गायब हो गई। सीसीटीवी के आधार पर एवं सर्विलांस के आधार पर उस महिला की खोजबीन की जा रही है। उस बुरका घटना स्थल पे आने से कुछ ही मीटर पहले उसने बुरका पहना है, उससे पहले वो अपना सलवार कुर्ता पहने हुई थी। जल्द ही इस बात का खुलासा कर दिया जाएगा कि कौन वो महिला थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजकल कल की जुमे की नमाज को मद्देनज़र रखते हुए एवं विभिन्न प्रकार की संवेदनशीलता को देखते हुए जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाए। और फिर स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में लगी आग पर पानी डालकर काबू पाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि यह बुरके में महिला कौन थी, कहां से आई थी, इस घटना के पीछे उसका मकसद क्या था। फिलहाल पुलिस इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही है और तफ्तीश कर रही है।
रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि चूंकि ज्वलनशील पदार्थ कहाँ से औरत लाती है, कौन सा ज्वलनशील पदार्थ होता है, ये जाँच का विषय है। एसपीसीटी का साफ कहना है कि इसकी जाँच की जाएगी, क्या मुद्दा रहा है, किस मामले को लेकर के महिला जो है उसमें आग लगाई है। चूँकि आपको ठीक बता दें कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर पुलिस जो है जाँच कर रही है, यहीं से वीडियो निकाला गया है और उसकी खोज के आगे भी देखा जा रहा है कि कहाँ से वो महिला आई है। चूँकि यहाँ काफ़ी देर तक, करीब 10 से 15 मिनट तक महिला रहती है और प्रयास करती रहती है, तो ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि जांच के आधार पर पुलिस किन तथ्यों पर खोजती है, किस तरीके से आग लगाई गई है। प्राइम टीवी के लिए हिमांशु श्रीवास्तव, गोरखपुर। फिलहाल प्राइम टीवी के संवाददाता हिमांशु इस वायरल वीडियो के पड़ताल में जुट गए हैं। जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर दिखाएंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।